गुड इविंग सरवन मै ने मिस के एस दीपक एंड वेलकम यू ऑल इन दील्ड आई एस एपिसोड ऑफ दी हिंदू स्नलिस तो चलिए देखते हैं कि कौन से कौन से आर्टिकलिंग टूडे द फर्स्ट आर्टिकल इज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ एन मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है आई एन एस मोर्मगा देखेंगे कि डिस्ट्रॉयर होते क्या है डिस्ट्रॉयर जैसे और कौन से कौन से प्रकार के वारशिप होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें कौन से कौन से आई एन एस मोरमुगा क्या है किस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म हुआ है सिमिलर कौन से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं एज एज इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आई एन एस मरमोगा फॉर्म हुआ इससे ऐसे और कौन से कौन से डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि कमीशन किए गए हैं या अंडर कमीशन है या अंडर प्रोसेस है दैट विल बी सींग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल

सो so, यहाँ पर जो जो अनिंगस हो रहे हैं जो जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें वन ऑफ द फैक्टर और वन ऑफ दायोडाइवर्सिटी फंड जो कि इंडिया काफी स्ट्रांगली पुश कर रहा है और इस बायोडाइवर्सिटी फंड का होना क्यों जरूरी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और कौन से कौन से फंड हैं ऑलरेडी ये सब देखेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल एंड एज यूजल द फोर्थ वन इज इन द्वेज ऑफ द डे

और अगर मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात करें सो द मिलिट्री शिप्स आर द बैकबोन ऑफ द मैरिटाइम सिक्योरिटी और मिलिट्री शिप्स काफी सारे प्रकार के होते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं सो वन ऑफ दम इज द एयरक्राफ्ट कैरियर नाउ एयरक्राफ्ट कैरियर हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट इट कम्स टू कंट्रीज लाइक इंडिया चाइना या यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री शिप्स एंड इट कम्स टू देयर मैरटाइम सिक्योरिटी सो क्या है ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स सो एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक काइंड ऑफ वारशिप होता है जो कि काम करता है एज एन सी गोइंग एयरबेस सो दे आर एक्ट विद फुल फ्लाइट डेस्क एंड फैसिलिटीज होता है ताकि वो कैरी कर पाए कर पाए डिप्लॉय कर पाए कैन सी पिक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरी हिस्र सो इट इज अ कांड ऑफ एन एयरबेस एक एयरबेस या एयरफील्ड की तरह काम करता है जहां पर फ्लाइट जो है वो उतर सकते हैं एंड वो वापस टेक ऑफ कर सकते हैं सो इट्स काइंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट को कैरी करता है ताकि सी में अगर आपको एयर सुप्रीमेसी की जरूरत पड़े या एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़े देन यू कैन यूज एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडिया क्रूजर्स क्रूजर्स क्या है क्रूजर्स भी लार्जेस्ट शिप होते हैं आफ्टर द एयरक्राफ्ट कैरियर सो दे आर स्मॉलर देन द एयरक्राफ्ट कैरियर एंड दे परफॉर्म सेवरल रोल फॉर एग्जाम्पल ये डिफेंस का जो बेसिक रोल है वो

स्ट्रक्चर्स हैं मिलिट्री शिप्स जो हैं, वो डिप्लॉय किए जाते हैं सो दे जनरली फॉर्म एंड स्ट्रक्चर और यहाँ पर द फर्स्ट एंड दूसर और हेड इज एयरक्राफ्ट कैरियर एंड आफ्टरवर्ड्स यू फाइंड दी क्रूसर्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट देन आते हैं डिस्ट्रॉयर्स पे जिसके जिक्र आज के आर्टिकल में भी हैली फास्ट मेनोरेबल एंड लॉन्ग एंड वॉरशिप जिसका जो काम है दे आर इंटेंडेड टू स्कॉट लार्ज वेसल्स इन द्लीट So, यहां पर वो ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव रोल के लिए वो कही कहीं ना कहीं एक्ट कर सकते हैं बट क्रूजेस की बात करें सो दे आर मोर लेस फोकस ऑन द डिफेंस रोल अगर क्रूजेस की बात करें सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एन क्रूजर वेल एज दिस वन इज द पिक्चर ऑफ एन डिस्ट्रॉयर सो यू कैन फाइन द डिफरेंस बिटवीन एन क्रूजर एंड एन डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर जो है वो ज्यादा आम होता है फॉर एन ऑफेंसिव या डिफेंसिव ऑफेंसिव रोल देन यू आर हैविंग एन है फ्रिगेट्स क्या है फ्रिगेट्स स्मॉलर शिप्स होते हैं जो कि डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है सो द डिफेंसिव कैपेबिलिटीज क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स प्रोवाइड उसे और एनहैंस करने के लिए यू आर हैविंग फ्रिगेट्स सो यू कैन फाइंड फ्रिगेट्स हि देन यू आर हैविंग

क्रूजर्स हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं फोकस मोर ऑन देयर डिफेंस कैपेबिलिटीजिव कैपेबिलिटीज से है एज वेल एज यू आरिंग एम्फीबियस एसोल्ट क्या है एम्फीबियस एसोल्ड टाइप ऑफ एन एम्फीबियस वॉरफेयर में यूज करने के लिए जहां पर ये जो वेसल्स हैं यही आप एक काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इवन दो यहाँ पर प्रॉपर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करते हैं बट हेलीकॉप्टर एंड अदर टाइप्स दूसरे टाइप्स के जो आपके मोबाइलिटी वेहीकल्स हैं फॉर एग्जाम्पल टैंक्स या और टाइप्स के जो वेसल्स हैं वो यहां पर स्टोर किए जा सकते हैं सो इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जो कि आप एम्फीबियस वारफेयर में यूज करते हैं विद डैट नाउ लेट्स मूव टू दी प्रोजेक्ट सो so, अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें सो इंडियन नेवी में जितने भी हम लोग मिलिट्री वॉरशिप्स देखे हैं उन्हें फॉर्म करने के लिए उनके फॉर्मेशन उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए सेवरल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और इन प्रोजेक्ट्स का सेवरल कोड नेम्स होता है सो बेसिकली जो अपने पब्लिक व्यू में है जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए जिसका जिक्र क्वाइट ऑफन न्यूज या मेस्ट्री मीडिया में किया जाता so, है सो देर आर बेसिकली थ्री प्रोजेक्ट्स जो कि अंडर गोइंग है सो देर इज दिस प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी एंड प्रोजेक्ट सेवेंटी आई विद प्रोजेक्ट सेवनटीन ए सो प्रोजेक्ट सेवनटीन ए को लॉन्च किया गया था अप्रूव किया गया था वे बैक इन टू थाउजेंड नाइन एट सेल और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले थे हम लोग सेवन स्टेल्थी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फ्रिगेज बनाने वाले थे जिसका जो कोड नेम था वॉज प्रोजेक्ट सेवनटीन ए एट वॉज अप्रूव बाय डैक वट इज इज डैक दैट इज ए डिफेंस एक्शन काउंसिल तो डैक के अकॉर्डिंगली से हम लोग ने अप्रूव किया था वे बैक इन टू थाउजेंड नाइन एथ सेल्फ जिसके अंदर हम लोग सेवन स्टेल्थी फ्रिगेज हम लोगों ने बनाए सो दैट इज प्रोजेक्ट सेवनटीन ए

सो so क्लासेस अगर स्पेसिफिकली बेसिकली समझें तो so जैसे आप वेपन्स में देखते हैं हर एक पर्टिकुलर टाइप के गन्स का कैलिब्रेशन जो है या एम्यूनेशन की जो रेंज है दैट वेरीज सिमिलरली इन केस ऑफ डिस्ट्रॉयर्स ऑल्सो डेल्ही क्लास या डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिस्ट्रॉयर्स के हिसाब से उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनमें जो मिसाइल्स लगेंगे या जो सेल टेक्नोलॉजी होगी दैट ऑल्सो वेरीज और इस बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम लोग क्लासेस डिफाइन करते हैं सो प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए के अंदर हम लोग क्या करते हैं तीन डेल्ही क्लास के और तीन कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को हम लोग कमीशन करने वाले थे देन उसका ही फेस्ड अपन बी जिसके अंदर हम लोग फोर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने वाले हैं कौन से कौन से थे विशाखापट्टनम जो कि कमीशन हो चुका है सूरत जो कि अंडर कमीशन है मोर जो कि अंडर एज ऑफ नाउ टूडे ये कमीशन हो चुका है देन वन मोर इज लेफ्ट दैट इज इम्फॉल Now, to Project 75I. Up again, जैसे हम ने देखा प्रोजेक्ट बी से पहले वी आरलीफाई आई से पहले वीड एन प्रोग्राम हम लोग इंडियन नेवी के लिए बनाने वाले थे Then, उसका ही फेज अब वर्शन इज नॉन एज प्रोजेक्ट सेवेंटिफाई आई जिसके अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक सबमरीन बनाने वाले थे जिसमें जो टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग फोकस करने वाले थे दैट वॉज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोलेशन सिस्टम ऐसे सब मरीन जो जिसमें जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोलेशन सिस्टम बनाए जाएंगे जो कि सिक्स नंबर प्रोजेक्ट जो कि हम लोग मेनली मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं विद इन माइंड नाउट नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन दी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट यहां पर दो चीजें हैं जिसका जिक्र आर्टिकल में किया गया था फर्स्ट एस्पेक्ट ज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट यस बिकॉज ऑफ दमेंट कमिंग मोदी जी सो यहां पर देखेंगे का क्या सिग्निफिकेंस है सेम टाइम देर इज अन्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ऑल्सो सो यहां पर दो चीजें देखेंगे फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट देन वीड बिल लुकिंग ऑन दी सो लेट्स स्टार्ट विद सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर सिग्निफिकेंस की मैं बात करें तो उस सिग्निफिकेंस को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं फॉर एन बेटर अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज दी दैटेजिक सिग्निफिकेंस या जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इट कैन एक्ट एस एन गेटवे टू दी साउथ ईस्ट एशिया जहां पर फिलीपींस आपके मलेशिया जैसे कंट्रीज हैं सो उन कंट्रीज जो जिस रीजन को आप कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया उन कंट्रीज के लिए एक गेटवे के तौर पे काम कर सकता है विच

पिलर नॉर्थ ईस्ट इज द ब्रिज और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को सेफ और सिक्योर रखना काफी इंपॉर्टेंट है सेम टाइम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें जो गेट वे है गेट वे का फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए वी आर हैविंग एन पोटेंशियल पॉलिसी नॉन एज इंडिया एक्टिस पॉलिसी सो जो एक्टिस पॉलिसी है दिस इज अड अपर्शन ऑफ एन प्रीवियस पॉलिसी नॉन एज एलई पी सो एलईपी हम लोग ने स्टार्ट किया था दैट इज नॉन एसुक इज पॉलिसी वे बैक इन नाइनटीन नाइनटीज और 1990s का जो एलईपी है उसको हम लोग ने मोर कॉम्प्रिहेंसिवली अपडेट किया जिसे एज ऑफ नाउ हम लोग कहते हैं एज पॉलिसी स्टार्टेड 2014 जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट को एक मेजर एम्फेसिस दिया गया है ताकि ये जो गेटवे है गेटवे का फुल पोटेंशियल हम लोग एक्सप्लोर कर पाए द सेम टाइम कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है so, काफी सारे आपके एनवायरमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंस है काफी सारे फेस्टिवल्स है फॉर एक्जाम्पल हॉर्नबिल फेस्टिवल है पांगल सॉन्ग फेस्टिवल है टेपेस्ट्री है बंबू कल्चर है दर इज अ लॉट ऑफ कल्चर कहते हैं कि दिस नॉर्थ ईस्ट या पर्टिकुलर कहें अरुणाचल अरुणाचल इज अ मिनी एशिया या नॉर्थ ईस्ट इज अ मिनी एशिया क्योंकि काफी सारे कल्चर्स हैं काफी सारे सब कल्चर्स हैं सब ट्राइब्स हैं और सबके पास अपने अपने यूनिक कल्चर्स और अपने अपने यूनिक ट्रेडिशन है दैट इज वाई दिस कल्चर इज काइंड ऑफ एन हेरिटेज फॉर इंडिया और इसको हमें प्राउडली शोकेस करना है रेदर देन सप्रेसिंग दम थर्ड सिग्निफिकेंस इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्योंकि ये जो रीजन है इट इज रिच फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम लोग एब्रीवेट कर सकते हैं टी so टी सो वाट इज टी ओ टी T is for tea, O is for oil and T again, the second T is for timber. So, ये three sources जो हैं वो abundantly form होते हैं, वो abundantly found किए जाते हैं इन्हीं northeast. और अगर हम लोग इसे tap कर पाएं, इसे explore कर पाएं, तो India की जो economic growth है उसे एक boost दे सकते हैं. At the same time, यहाँ पर there is a huge potential for hydroelectric powers. क्योंकि जो water है, जो terrains है, that is quite sharp. इसीलिए जो hydroelectric power का जो आपका फैक्टर है या कहें कि उसकी जो पोटेंशियल है दैट इज क्वाइट ह्यूज और अगर हम लोग उसे टैप कर पाए दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग अगर हम लोग टैप कर पाए तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उससे हम लोग एक फिजिबली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर काफी सारे नेटिव वेजिटेबल्स हैं नेटिव फॉर्मेशन क्रॉप्स हैं जो कि काफी प्रून है टू क्लाइमेट चेंज एग्जाम्पल अगर हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो दिस नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी में वी आर हैविंग एन ह्यूज हेरिटेज वेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट काफी सारे प्लान है अगर आप न्यूज पेपर कंट्रीज फॉलो करते हो सो यू कैन फाइंड की हर महीने में काफी सारे नए स्पीसीसेस काफी सारे नए स्पीस ऑफ प्लांट्स फ्लोरा या फोना कहीं ना कहीं हमें मिलता है आइदर फ्रॉम द वेस्टर्न गार्ड या फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट सो नॉर्थ ईस्ट इज दैट मच रिच व्हेन इट कम्स टू फ्लोरा एंड फोना और इस फ्लोरा एंड फोना को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उसकी जो पोटेंशियल उसे हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए दैट इज समथिंग वेट इट कम्स टू द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट इसके साथ साथ काफी सारे चैलेंजेस भी हैं बट वेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट चैलेंज इज द आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया के काफी लोग समझते हैं दैट दे आर हैविंग बीन ट्रीटेड एज एन स्टेप मदरली अप्रोच फ्रेंड कम्स टू डेली डेल्ही जो है वो एक स्टेप मदरली अप्रोच दिखाता है टूअर्ड नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी इश्यू काफी सारे इश्यूज है जो फिजिकल लोकेशन है वो काफी एक्सक्लूडेड है ब्रिजेस काफी कम है सो दे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल जाना है यू हैव टू कम थ्रू आसाम सो देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो डेली या जो कैपिटल है इंडिया कैपिटल दे आर नॉट शोइंग दैट मीनस इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट सो दैट इज वाई दिस इज द फर्स्ट चैलेंज सेकेंड चैलेंज इज ए लैक ऑफ एफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रोडवेज की बात करें या वाटरवेज हो एनर्जी हो इवन दो पोटेंशियल काफी ह्यूज है बट इवन आफ्टर दैट काफी सारे इश्यूज के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल लैकिंग इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट और इसीलिए यहां पर एफिशियंसी लाने की जरूरत है थर्ड पॉइंट इज ए स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट इज हिस्टोरिकली अंडर डेवलप्ड ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी उन्हें लगा था कि ये जो टेरेन्स है ये टेरेन्स एक्सेसिबल नहीं है इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया था बट ओवर दस इवन आफ्टर द इंटीग्रेशन टू इंडिया वहां पर जो डेवलपमेंट है दी ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयिटी इज ऑल्सो क्वाइट लो जो ऑप्शन है जो पेनिट्रिएशन है एजुकेशन का लिटरेसी का दैट इज ऑल्सो क्वाइट लो एंडक्स्ट इशू इज दियल कॉन्फ्लिक्स काफ़ी सारे स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल एट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जनरली हम लोग कहते हैं सेवन सो सेवन प्लस सिक्किम इज एट ओके सो सेवन प्लस सिक्किम यहाँ पर हर एक स्टेट के बीच में कही न कहीं ना कहीं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है अगर बात करें अरुणाचल और अरुणाचल और आसाम के बीच में नागालैंड और मणिपुर सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इस टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्स के कारण यहाँ पर एक कॉपरेटेड अप्रोच या हम लोग कह रहे हैं कॉर्डिनेटेड अप्रोच कहीं ना कहीं शोकेस करना कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना दैट इज हैविंग एन लॉट ऑफ चैलेंजेस And another one of the most important challenge when it comes to northeast is the insurgency issue. Upper are a insurgency, for example,

नाउ लेट्स सी कि क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड इन प्रॉब्लम्स के बावजूद इस सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक्सप्लोइ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं लेट्स सी तो फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट हम लोग एक्ट इस में और फोकस अप्रोच रख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट जो एक्ट इस पॉलिसी जो स्टार्ट इन वे बैक इन 2014 उसमें इवन दो नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द सेंट्रल पिलर्स उसमें और एम्फोसिस दे सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट सेकेंड इज ब्रिंगिंग आउट द पोटेंशियल पावर ऑफ ऑफ इंडिया जैसे हमने बात किया कि इट इज हैविंग एज योर स्ट्रटेजिक लोकेशन एट द सेम टाइम काफी सारा पोटेंशियल है काफी सारे एक्सप्लोरेबिलिटी है और उसे हम टैप कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहां पर काफी सारे सेफ गार्ड देने की जरूरत है देन ऑनली द बिजनेस पर्सन वुड कम एंड दे वुड इन्वेस्ट इन दिसकेशन सो दैट इज रिक्वायर्ड थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट नेचर to है आप नहीं देखे होंगे एक्सप्लोर करवाने के लिए इसमें पोटेंशियल जो है उसे टैप करने के लिए वी नीड टू डेवलप दर ऑल्सो और टूरिज्म सेक्टर को अगर आपको डेवलप करना है यू हैव टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी सो द्वार इज एनहेंसिंग दिटी सेम टाइम यहां पर पोटेंशियल एंड सोशल अवेयरनेस को भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो लोग हैं उनमें एक अवेयरनेस बढ़े एंड दे प्रोएक्टिवली इंडर्ज इन इंक्रीजिंग सच एस्पेक्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना के जो इंटेलिजेंस है इसके कारण काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि चाहकर भी वहां पर इन्वेस्ट नहीं करते बट रिसेंटली वार सिंह जापान हैज इमर्ज एज ए मेजर पार्टनर सो so, अगर वहां के लोगों में सोशल अवेयरनेस है अगर स्टेट गवर्नमेंट में सोशल अवेयरनेस है सो दे बी प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद द जापानीज गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी ताकि ये टूरिज्म कनेक्टिविटी और पावर हाउस को हम लोग और एक्सप्लोर कर पाए अनदर पॉइंट हियर इज टू डेवलप द फिजिकल एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देर इज अ लैक ऑफ हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उन्हें काफी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली या साउथ में जाना पड़ता है फॉर हायर स्टडीज सो इफ दे गो देर इज एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन ट्रेन ईस्ट और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं उसमें मैन पावर ट्रेन कर सकते हैं फैकल्टीज ला सकते हैं ताकि ये ब्रेन ड्रेन जो है वो ना हो देन एनदर इशू इज ऑफ द लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे जो ट्राइबल्स हैं वो इलिटरेट हैं उनमें पेपर रिकॉर्ड्स बनाने की कोई ना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ना कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेशन है इसीलिए काफी सारे चांसेस में लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाए नहीं जाते जब लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं तो लोगों को लोन लेने के लिए या किसी भी अदर एस्पेक्ट्स का अगर आपको गवर्नमेंट को लोन लेना है या गवर्नमेंट को वो लैंड लेना है फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस इज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज व्हिच कम्स इन और अगर यहाँ पर हम लोग लैंड रिकॉर्ड को मैनेज कर पाए सो ऑल दिस पाएस ऑफ टेक्निकलिटीज वुड बी वार्डिंग ऑफ दैट इज ए नेक्स्ट वे फॉरवर्ड द लास्ट वे फॉरवर्ड इज टू ग्रो नॉर्थ ईस्ट एज द स्पोर्ट्स पावर हाउस नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे प्लेयर्स हैं काफी पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स हाउस एंड वन ऑफ द लिविंग एग्जांपल इज

बैलेंस डेवलपमेंट और इस बैलेंस डेवलपमेंट को लाने के लिए वी नीड टू हैव एन एडवाइजरी बॉडी एंड वन सच एडवाइजरी बॉडी इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिसका जो फॉर्मेशन हैपन वे बैक इन 1971 अकॉर्डिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स एक्ट अब दिस काउंसिल स्टार्टेड

बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ दी नॉर्थ ईस्टन एरिया फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूनिफाइड कोडिनेटेड रीजनल प्लान बनाना है या प्रोजेक्ट को प्रायोरटाइज करना है या स्कीम्स बनाने हैं रीजनल प्लान में या लोकेशन जो उसे फाइनलाइज करना प्लेज अ मेजर रोल सो एन ईसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद डेट क्लैरिटी नॉलेट्स मोटा नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन दी एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फंड सो so, यहां पर एक एक करके बात करते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल नेचर लॉट ऑफ क्लैरिटी जो कि बच्चों को यहां पर चाहिए सो लेट स्टार्ट विद द बेसिक्स विदिक सो लेट स्टार्ट विद द विदेक्स फर्स्ट पहले देखते हैं कि क्या कंटेक्स है आज के आर्टिकल का सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काफी सारे कन्वेंशन हैं वन सच कन्वेंशन रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस कन्वेंशन के अंदर द बेसिक एम इज टू कंजर्व और प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी और इसमें काफी सारे एम्स हैं काफी सारे स्पेसिफिक एम्स हैं सब एम्स हैं उनके स्ट्रेटजीज हैं उनके एस्पिरीशन हैं और इन स्ट्रेटजीज को कहीं ना कहीं मेटलाइज करने के लिए काफी सारे कंट्रीज को टुगेदर आके एक कोलाबरेटेड एफर्ट लाना पड़ेगा और ये कोलाबरे एफर्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाने के लिए जो कंट्रीज हैं जिन्होंने जो, जो जो लोग जो हैं जो कि इस कन्वेंशन को साइन करते हैं वो पीरियोडिक इंटरवल्स में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं

डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडिया से डेवलपिंग कंट्रीज है वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल नहीं होते हैं बट अगर बायोडाइवर्सिटी के थ्रेड्स के बारे में बात करें तो उनके जो थ्रेड्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज ने जो ओवर द ईयर्स किए हैं ओवर द ईयर जो पोल्यूशन उन्होंने किए हैं दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेड व्हेन इट कम्स टू बायोडावर्सिटी तो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो उन्होंने ओवर दियस हिस्टोरिकली जो इन्जेस्टर्स किया है उसके कारण बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो बर्डन है वैन कम्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी दैट इज ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज तो जो चीज़ डेवलप्ड कंट्रीज ने किए थे हिस्टोरिकली उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज क्यों भुगते दैट इज द बेसिक क्वेश्चन और इसीलिए यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट की जरूरत है और इसीलिए हमें एक फंड बनाना है और फंड में जो मेजर फैक्शन है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साइड से आना चाहिए दैट इज द बेसिक कंटेक्ट एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द नीड ऑफ एंड डेडिकेटेड बायोडावर्सिटी फंड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मेशन है डेडिकेटेड बायोडावर्सिटी फंड का जो कि इंडियन यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं दैट इज इन लाइन विद द पोस्ट 2020 ट्वेंटी नाउ व्हाट वट इज इजीएफ जीबीएफ इज द ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क सो so, ये जीबीएफ क्या है उसकी जो फाइनल डिटेल्स है वो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस डेडिकेटेड बायडावर्सिटी फंड अगर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज इन लाइन विद द एस्पेक्ट्स दैट इज मेंशन इन द पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जीबीएफ एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एज ऑफ नाउ काफी सारे फंड्स हैं बट बायोडाइवर्सिटी से सिर्फ रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड हमारे पास कोई फंड नहीं फॉर एग्जाम्पल वी आर है्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जिसे हम लोग एब्रीवेट करते हैं जी ई एफ और यह जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ काफी और चीजों में जैसे कि डिस काफी और चीजों के लिए यूज किया जाता है तो देर इज नो डेडिकेटेड फंड वेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी और इसीलिए इंडिया कह दें कि हमें एक डेडिकेटेड फंड की जरूरत है विद डैट नाउ लेट्स मोटर फाइनल डिटेल्स द फर्स्ट एस्पेक्ट सीओपी सो क्या होता है सीओपी जैसे मैंने कहा यूनाइटेड नेशन के अंदर काफी सारे कन्वेंशन है वन सच कन्वेंशन इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी अब अगर हम लोग सीओपी की बात करें प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद दीओपी यू एन एफ ट्रिपल सी यू एन एफ ट्रिपल सी का एगेन सीओपी काफी बार चलते आ रहे हैं एंड रिसेंटली वन सी ओपी गॉड फिनिश डेट वॉज इन इजिप्ट

फिफ्टींथ एडिशन जो है क्योंकि 2021, 2020 के टाइम पे होना चाहिए था एंड बिकॉज ऑफ द कोविड हम वहां पर काफी बड़े एक्सटेंट में हम लोग कर नहीं पाए दैट इज वाई इस यूपी को हम लोग ने फेसेस में डिवाइड किए सो so, जो फिफ्टींथ मीटिंग था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज

सेकेंड फेज इज नाउन गोइंग टू नाइनबर तक चलेगा ऑफ द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच इज नाउ हैपनिंग इन कैनडा मॉन्टेरल कैनेडा जहां पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है कमेंट दे रहे हैं सो दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट नाउ नाउ लेट्स मोटर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन दी जी ई एफ अब जैसे मैंने इनिशियली कहा कि र अ लॉट ऑफ फंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग के लिए बट डेडिकेटेड फंड नहीं है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंड जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज किए जाते हैं दैट इज द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी सो देखते हैं व्हाट इज दिस जी एफ सो जी एफ वॉज एस्टैब्लिश ऑन दाइनटीन टू यू अर्थ समिट एट द सेम टाइम इट इज दी मल्टीलैटरल फंड जो कि फोकस किया जाता है ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड अदर एस्पेक्ट इवन दो इट्स फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी बट इट्स नॉट डेडिकेटेड टू बायोडावर्सिटी प्लीज कीप दैट इन माइंड क्योंकि यहाँ पर जो तो जी एफ है जी एफ में जितने भी फाइनेंशियल मैकेनिजम्स हैं वो जाते हैं फॉर एग्जांपल वो मिनमाटा कन्वेंशन ऑफ मर्को को फुलफिल करने के लिए या स्टोक होम कन्वेंशन ऑफ पी, पी या यू एन सी बी डी एफ ट्रिपल सी या यू एन जो कि है कॉम्बैट डिस तो हर एक चीज के लिए जितने भी की जरूरत आती है

यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज, डेवलपमेंट बैंक्स के नेशनल एंटिटीज, इंटरनेशनल एंटिटीज, इंटरनेशनल एनजीओ काफी सब एनजीओ और एस्पेक्ट नॉन स्टेट या स्टेट एक्टर्स के साथ वो कोलाबरेट करते हैं ताकि फाइनेंशियल मैकेजम जो है वो प्रूडेंट रहे और यहाँ पर जो फाइनेंस हैं, वो फाइनेंसेज किए जाते हैं बाई डॉनर कंट्रीज और जो की सेवरल ट्रस्ट फंड के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है तो दैट इज देश जी ई एप नॉलेट्स मोटर थर्ड बेसिक थिंग ज दी पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जीबीएफ अब हम लोग ने इनिशियली देखा कि जो फॉर्मेशन है डेडिकेटेड बायोडाइवर्सिटी फंड का दैट इज इन लाइन विद दोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क जिसे हम लोग कहते हैं प्लीज रिमेंबर जो सीओपी फिफ्टीन था उसका फेज वन हैपन इन कुछ इट सेल्फ सो उसमें जो रिजल्टेंट डिक्लेरेशन था दैट इज नॉन एज किन सो कुरेशन वाट इट वॉज एडॉप्टेड बाय ओवर हंड्रेड कंट्रीज और जो कि

और यहां पर प्लीज ऑल्सो रिमेंबर दैट इट इज नॉट बाइंडिंग ये बाइंडिंग नहीं है इवन दो पार्टनर स्टेज जो है वो साइन करते हैं इसे दे डू नॉट नीड टू इट या वो बाइंडिंग नहीं है ऐसा नहीं है कि वो ऑब्लिगेटरी है इट्स वॉलंट्री इन द नेचर सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दट इट कॉल्स अपन दी पार्टीज ताकि वो मेन स्ट्रीम करें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के जो भी एस्पेक्ट हैं उनके जो डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट है उनके जो स्ट्रैटेजीज है उसे वो मेन स्ट्रीम करें उसे और वो शार्पनेस दें टीथ दे दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ दोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी जी पी एफ थर्ड पॉइंट इज टू नोट इसकी यहां पर हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हम लोग लाए वन इट कम्स टू बायोडावर्सिटी एंड वन सच एम्बिशन इज वट टू अचीव थर्टी बाय थर्टी टारगेट ये क्या है थर्टी बाय थर्टी टारगेट 30 30 30 by 30 के हम हम लोग लोग कोशिश करेंगे कि हम 30 of the land and को दे पाएं by the year 2030 ताकि उसमें जो थ्रेट है उससे हम लोग हटा पाएट इज 30 by 30 टारगेट अनदर पॉइंट नोट इसके हम लोग हम लोग यहां पर ये भी कोशिश करेंगे हाफ करें आधा करें दूस ऑफ

अब जैसे मैंने कहा कि डेडिकेटेड बायोडाइवर्सिटी फंड ऑपरेशनल नहीं है एनी डेडिकेटेड बायोडवर्सिटी फंड इज नॉट ऑपरेशनल बट वी हैड द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंड जिसे हम लोग कहते हैं कुनमिन कुयोडावर्सिटी फंड या कहते हैं चाइना कुनमिन बायोडावर्सिटी फंड इवन दो दिस फंड वॉज मेटेलाइज इन दी सीओपी फिफ्टीन बट उसकी जो फॉर्मेशन है दैट स्टिल अ वे बैक सो इट्स स्टिल अ अन वो अभी भी मेट्रलाइज नहीं हो पाया सो एज ऑफ नाउ ऑल्सो द स्टेटमेंट दैट देर इज नो डेडिकेटेड फंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी

सेकेंड पॉइंट नोट यर इसकी यहाँ पर काफी सारे रिच कंट्रीज के जो डॉनर डॉक्टर्स हैं जो डॉनर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि ऐसे स्पेसिफिक फंड्स की जरूरत है क्यों क्योंकि वो कहते थे कि जो यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है जो कि जिसका जिक्र हम लोग अगले कर चुके हैं जिसको हम लोग अगले देख चुके हैं दैट फंड और दैट फैसिलिटी इज मोर देन इनफ वो कहते हैं कि इसी में हम लोग कहीं ना कहीं काम कर सकते वी डू नॉट वांट एन सेपरेट फंड बट दैट इज दर्सेप्शन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज चाहते नहीं है कि वो फाइनेंस को मोबिलाइज करें टूवर्ड दंट्रीज बट डेवलपिंग के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है दे नीड टू हैव सपोर्ट फ्रॉम दी डेवलप कंट्रीज सो नाउ लेट्स क्या अनफोल्ड होता है इन दिसविंग एन कंक्लूशन आर्टिकल टूडे और डे आफ्टर टुमारो लेट्स दैट दंसेप्ट शुडरी मच क्लियर विद डैट नाउ लेट्स मोड नेक्ट That is on the quiz of the day. So, the first question is regarding the COP26. Now, please remember, that is COP26 of UNFCCC. So, UNFCCC is under there is a concept of Panchamrit. So, this question is regarding the Panchamrit. The second question is regarding the fuel cell technology. So, please refer to these two questions. Please attempt the storage questions. These both these questions are. Re

Stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.